नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। सिद्धार्थनगर मंडलायुक्त बस्ती अनिल कुमार सागर द्वारा तहसील सोहरतगढ़ का निरीक्षण, जिलाधिकारी दीपक मीणा, उप जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता सहित बुधवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम तहसील में उपस्थित तहसीलदार राजेश अग्रवाल ने मंडलायुक्त को फूलों के बुक देकर स्वागत किया। तत्पश्चात तहसीलदार राजेश अग्रवाल द्वारा अपने न्यायालय का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने न्यायालय की कई पत्रावली के बारे में पूछा और गहनता से निरीक्षण भी किया, जिसमें पाया गया कि कई पंजीकृत बैनामे को पत्रावली कई वर्षों से लंबित चल रहा है, जिस पर आयुक्त मंडल ने कड़ी नाराजगी जाहिर किया। तारीख पर तारीख चल रही है कई फाइलों का निरीक्षण करने के दौरान मंडलायुक्त ने आदेश दिया कि 7 वर्ष की पत्रावली पर तारीख पर तारीख क्यों चल रही है, इस पर नाराजगी जताते हुए सख्त से सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाए।